जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब को देंगे सौगात। फिरोजपुर में कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 42,750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी कई परियोजनाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बस्ती में रैली को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सपा ने हमें धर्म के नाम पर बांटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे सिविल अस्पताल। किशोरों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम का किया निरीक्षण, कहा प्रदेश में 2,150 केंद्रों में वैक्सीनेशन हुआ शुरू। लखनऊ के लोकभवन में पूर्व राज्यपाल राम नाईक की तरफ से लिखित पुस्तक कर्म योद्धा का विमोचन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया विमोचन। पुरानी भारत की परंपरा से समाहित है पुस्तक। और दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले बढ़े, 4,099 मामले आए सामने, एक मरीज की हुई मौत। वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, सुकमा जिले के तेमेलवाड़ा कैंप में 38 जवान हुए कोरोना पॉजिटिव। तो कैंप में करीब 75 जवानों का कोरोना टेस्ट किया गया जिसमें 38 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुकमा जिले के चिंता गुफा के तेमेलवाड़ा कैंप के कोबरा के हैं सभी जवान। तो एंटीजन टेस्ट में पाए गए कोरोना पॉजिटिव सभी जवानों को कैंप के बैरक में ही क्वारंटीन किया गया है। सीएमएचओ सीबी प्रसाद बंसोड़ ने पुष्टि की है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर कोरोना से जुड़ी हुई। तो बता दें कि कैंप में करीब 75 जवानों का कोरोना टेस्ट यहां पर किया गया जिसमें से 38 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिन्हें अब फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। तो सुकमा जिले के तेमेलवाड़ा कैंप में 38 जवान कोरोना पॉजिटिव, 75 जवानों का कोरोना टेस्ट यहां पर किया गया जिसके बाद ये यहां पर जानकारी मिली है। सुकमा जिले के चिंता गुफा के तेमेलवाड़ा कैंप के कोबरा के सभी जवान हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एंटीजन टेस्ट में पाए गए कोरोना पॉजिटिव सभी जवानों को कैंप के बैरक में ही एहतियातन क्वारंटीन किया गया है। सीएमएचओ सीबी प्रसाद बंसोड़ ने इस बात की पुष्टि की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय भदौरिया का रुख कर लेते हैं। संजय, 75 जवानों का कोरोना टेस्ट जिनमें 38 जवान कोरोना पॉजिटिव, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, सुकमा जिले के तेमेलवाड़ा कैंप में 75 जवान जो छुट्टी गए हुए थे सभी वापस लौटे जिसमें 38 जवानों का टेस्ट, सारे जवानों का टेस्ट किया गया जिसमें 38 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सुकमा जिला के चिंता गुफा एक क्षेत्र है उसके नजदीक तेमेलवाड़ा पड़ता है, उसके कैंप के सभी जवान हैं। बिल्कुल, जो 38 जवान यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अब उनको आगे लेकर किस तरह से जो कदम है उठाए जा रहे हैं और साथ ही ये जो जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनके संपर्क में आने वाले जो लोग हैं क्या उन जवानों की भी टेस्टिंग यहाँ पर अब तेजी से बढ़ाई जाएगी? संजय जी, सीएमओ सीबी प्रसाद बंसोड़ ने बताया है कि उनके संपर्क में जो भी उनका जानकारी दिया जा रहा है, साथ ही साथ सभी जवानों को एहतियातन उनके बैरक में ही क्वारंटाइन किया गया और साथ उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है। शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से एंटीजन टेस्ट की प्रक्रिया लगातार तेजी से जारी है उसमें ये 38 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिन्हें फिलहाल क्वारंटीन कर लिया गया। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। उत्तराखंड देशागुन राज्यों में भी एक शो जगह प्रकृति अपार सुंदरता दी रखे। यहाँ पहाड़, नदियाँ, झीले सभी अपन ओर खींचने और ये प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए जी हर साल ठुल संख्या में देश विदेशक पर्यटक उत्तराखंड पहुँचने। दगड़े प्रदेशक अर्थव्यवस्था में ले पर्यटन रीढ़ हड्डी जसछु और ये बात को प्रदेशक पुष्कर सिंह धामी सरकार भल बे समझे। एक देख बेर पर्यटन को बढ़ावा देन और पर्यटक सुविधाओं को बढ़ान दगड़े विकासक योजनाओं के लिए धामी सरकार विकसित कियो और यसे कई योजनाओं को प्रदेश सरकार लगातार धरातल पे उतारन लग रहे। प्रदेश में यस कई गुमनाम पर्यटक स्थल मौजूद छी जिनों को पिछले कुछ सालों जाने प्रदेशक लोग ही न जान छी लेकिन आज प्रदेश सरकार ई गुमनाम पर्यटक स्थलों को विकसित करन शुरू कर दियो छू।
उत्तराखंड में पर्यटन को नई पहचान दिनक लीजी सरकारल 13 जिलों में थीम आधारित 13 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने की योजना शुरू की। जिस तरह बे यह योजना अगिल बढ़ाई जाने उतने आने वाले समय में यह एक परिणाम ले दिखाई दियल और प्रदेश को आर्थिक रूप में बहुत मजबूती मिलल। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना। उत्तराखंड में यह स्वरोजगार योजना जब पर्यटन से संबंधित अवस्थापना और परिवहन सुविधाओं विकास में मददगार होने वही स्थानीय लोगों को स्वरोजगार प्रदान कर स्वावलंबी बनाने की दिशा में ले उत्तराखंड पर्यटन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होने। ये योजना भतेर उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी आवेदन कर सकनी। होम स्टे योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलन लाग रहे। ट्रैकिंग बाटो पहले होम स्टे को काफी प्रोत्साहन दी जाना। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाई गई। उत्तराखंड दूरस्थ गांव क्षेत्रों में कई पर्यटक स्थल अवस्थित छन जो कि अपन नैसर्गिक छटा और सांस्कृतिक विरासत को अपन में समेटे हुए छन। लेकिन उस स्थलों पर पर्यटक लीजिए उचित घर और खान पानक सुविधा न होने के कारण उन पर्यटक स्थलों को मौज लिंत है रह जानी। अतिथि उत्तराखंड गृह आवास नियमावली के माध्यम में राज्य के शहरी क्षेत्रों दगड़े दूरस्थ पर्यटक क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्तरीय आवासीय सुविधा बढ़ान स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार मौक दिन दगड़े भवन स्वामियों को अतिरिक्त आयक स्रोत उपलब्ध करान या उद्देश्य उत्तराखंड गृह आवास नियमावली तैयार की जाना। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिनक लीजिए यह एक अलग थे विंग बनाई गये छु। उत्तराखंड में रोमांचक शौकीन पर्यटकों के लीजिए अपार संभावनाएं छन। यहाँ कई ऐसे क्षेत्र छन जो रोमांच में भरपूर छन। फिर चाहे रिवर राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो या फिर ट्रैकिंग, इनर लीजिए अब प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने। यस पर्यटक विशेषकर युवाओं को ध्यान में रख बे सरकारल सुरक्षित साहसिक पर्यटन कई योजनाएं बढ़ाई छन। यह दगड़े कई प्रतियोगिताएं ले अब आयोजित की जाने। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है और उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, थराली, विकास नगर, चमोली और पिथौरागढ़ से हैं। उत्तरकाशी में राजकीय कृति इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशिक्षण अधिकारी ने वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें आज पहले दिन 5000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। तो वहीं उधम सिंह नगर में करीब 1000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर करीब 25000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। थराली में 5 टीकाकरण केंद्रों से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई तो पिथौरागढ़ में 56 स्कूलों में टीकाकरण केंद्रों की शुरुआत की गई है। बच्चों से बिना घबराए वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। 6 तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया की जो जारी है। तो यहां पर बढ़ चढ़कर जो किशोर हैं वो पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए। तो उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, थराली, विकास नगर, चमोली और पिथौरागढ़ की ये 6 तस्वीरें। शुरुआत है जो पहले बदनाम करते थे हमारी सरकार को, मोदी जी को, कि वैक्सीन मत लगाइए, ये मोदी जी की वैक्सीन है या फला फला जानवर के सीरम से बनाई हुई वैक्सीन है। रात को छुप के वो अपने परिवारों को वैक्सीनेशन करा के लाते थे, यानी कि मैं सुरक्षित रहूं और सब लोग यहां से चले जाएं इस संसार से, ये विपक्ष का रवैया था। मोदी जी ने स्वयं अपने को वैक्सीन लगा के और सारे लोगों ने, हम लोगों ने अपने अपने को वैक्सीन लगाई। आज 141 करोड़ से भी ज़्यादा हम आगे बढ़ गए हैं। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संयुक्त रूप से कार्य योजना तैयार की गई है कि जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो भी 2008 से पहले जिनका जन्म हुआ है, तो उनको आज से टीकाकरण प्रारंभ किया जा रहा है। तो आज हमारे यहाँ गोपेश्वर में भी एक सेशन साइट में टीकाकरण प्रारंभ किया गया और इसका विभिन्न माध्यम से प्रचार प्रसार किए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मैक्सिमम हमारे जो बच्चे हैं जो इस एज ग्रुप में हैं उनको पता चले और वो जल्द से जल्द अपना जो कोवैक्सीन का पहला डोज है। 15 से 18 के लिए हमारे जनपद को जो है 27,783 का टारगेट मिला है, जो हम लोगों ने एम किया है कि 5 से 6 दिन के अंदर अचीव कर लेंगे। इसके लिए हमने अलग अलग विद्यालयों में सेशन साइट खोले हैं। आज की तारीख में पहले दिन हम जो है
56 साइट्स में बच्चों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं और यही क्रम जो है अगले 5 से 6 दिन तक हमारा चलता रहेगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा छूट भी जाता है तो आशा और आंगनबाड़ी के माध्यम से हम हर घर दस्तक के तहत इनका वैक्सीनेशन भी करेंगे। इसमें 26,000 के आसपास का हमें टारगेट दिया गया और लगभग 3,700 डेली का टारगेट उसमें बैठ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है और स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के साथ में मीटिंग के बाद में उन्हें निर्देश दिए जा चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अर्बन एरिया की पॉपुलेशन को पहले कवर करते हैं, हम तेज़ी से अपने टारगेट को अचीव करें। तो हमारा वैक्सीनेशन का वो शुरू हुआ है 15 से 18 साल के लिए, ये पूरे प्रदेश में पूरे देश में शुरू हो गया है आज से, और इसमें कोवैक्सीन वैक्सीन लगाई जा रही है और ये अभी आज का जो टारगेट है हमारा 550 का टारगेट है हमारा, और पर डे यही 450 से 550 के बीच का टारगेट हमारा रहेगा। और अभी आज हमारे थराली ब्लॉक में 5 सेंटर चल रहे हैं जो केवल 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। सरकार द्वारा ये जो चलाया गया योजना है वो हम लोग को भी इसका मौका मिला, हमने भी इसे प्रतिभाग किया और हमें भी वैक्सीन लगवाने का मौका मिला। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि जल्द से जल्द 15 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को भी वैक्सीन लगे और हमारे 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 लगने के बाद जो हमसे छोटे उम्र के बच्चे हैं उनको भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की सुविधा मिलनी चाहिए। लंबे समय से कोरोना का मात देने के लिए बच्चों को वैक्सीनेशन की मांग लगातार देश भर में उठ रही थी, जिसको लेकर भारत सरकार काफ़ी सजग नजर आई और भारत सरकार ने आज जो है 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी। इसी क्रम में आज रुद्रपुर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया और जहां वैक्सीनेशन केंद्रों पर बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा। अपने सहयोगी के साथ मुमताज अहमद, नेटवर्क 10, रुद्रपुर। तो वही उत्तराखंड के ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में नए साल पर दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता जैसे शहरों से लोग नया साल मनाने तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोग मास्क पहने बिना राम झूला, लक्ष्मण झूला में घूमते दिखाई दिए। वहीं जब कई लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया तो उनमें से 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो अलग अलग शहरों से घूमने के लिए ऋषिकेश आए हुए थे। जैसे ही प्रशासन को खबर मिली कि 28 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं तो प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया सभी लोग मास्क पहने और जरूर पड़ने पर ही बाहर निकले, अन्यथा बिना कारण बाहर घूमते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है और सभी लोगों की जानकारियां जुटाई जा रही कि संक्रमित लोग कौन कौन से होटल और कैंप में ठहरे हुए थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार, मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एमकेश्वर हूँ और नोडल अधिकारी कोविड सैंपलिंग। ये सर हमारा ये करूट चट्टी चेक पोस्ट है और उस पर आने जाने वालों की हम लोग सैंपलिंग करते हैं। अभी 2 दिन पहले हमने सैंपलिंग की थी तो उसमें बाहरी लोग ज़्यादा थे जो कि नए वर्ष पे आए थे, इधर मोहन चट्टी, रत्ता पानी इस तरफ रुके हुए थे। इसमें 28 लोग पॉजिटिव होने की सूचना हमें आज प्राप्त हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोग अभी कर रहे हैं उनकी, बाकी पूरी जो भी विस्तृत जानकारी होगी वो फिर बताई जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि 28 लोग कल कोरोना पॉजिटिव सुख आश्रम लक्ष्मण झूला क्षेत्र से निकले हैं, जो कि ये क्षेत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लोगों को कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से चलना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। हाँ जी, मुझे अभी पता चला है कि यहाँ पे इतने लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, तो हमारे द्वारा जो भी सफाई व्यवस्था हमारे द्वारा जो है और भी ज़्यादा तेज़ी लाई जाएगी और जो भी हमारे तरफ से सफाई व्यवस्था में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव हमारे द्वारा अब इसमें भी तेज़ी लाया जाएगा, इसमें भी छिड़काव किए जाएंगे। और जो भी पब्लिक है अगर वो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं तो हम उनको अपनी तरफ से मास्क देंगे, अगर इसके बावजूद भी जब पब्लिक नहीं मानेगी तो मजबूरी में हम उनका फिर हमें चालान करना पड़ेगा। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा, उत्तराखंड में जो भी पर्यटक आते हैं वे ओमिक्रॉन को देखते हुए जैसे मास्क का प्रयोग करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें, तभी जाकर के सभी लोग सुरक्षित रह सकेंगे। पूरे देश या पूरे संसार में ओमिक्रॉन अपना पांव पसार रहा है और कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से पार पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। आज से वैक्सीनेशन चालू हो गया है, 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। नया साल वैसे तो खुशियां लेकर के आता है लेकिन इस बार
2022 में ये जो नया साल पर यहाँ राम झूला लक्ष्मण झूला क्षेत्र में भारी मात्रा में दिल्ली मुंबई अलग अलग राज्यों से लोग आए और यहाँ पर कैंपों में ठहरे और यहाँ बाजारों में घूमे। जब उनकी कोरोना टेस्टिंग की गई तो 28 लोग कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर निकले हैं। ये आज की रिपोर्ट है। इससे यहाँ पर काफ़ी हलचल मच गई है और यहाँ पर ऐसे कई पर्यटक हैं जो बिना मास्क के यहाँ घूम रहे हैं। हम लोगों ने उनसे जब कहा कि आप मास्क पहनिए तो लोग कहते हैं कि क्या होगा मास्क पहनने से। तो यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है? वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में 50-80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति स्वास्थ्य। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुद ही को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम भी, मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर वन। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर वन। बात होने लगी यहाँ अब रोजगार की, ऑल वेदर रोड बद्रीनाथ केदार की। COVID-19 से पूरी जनता को बचाया, नए मार्गों को बना के पर्यटन को बढ़ाया। स्वस्थ हर जन उम्दा सोच हो हमारी, शिक्षा में प्रगति, पहाड़ में रेलगाड़ी। महिला सशक्तिकरण की पहल हमारी, गांव गांव जन जन के अब हक की बारी। पाए युवा रोजगार, समाप्त बेरोजगारी, किसानों का हक अब हमारी जिम्मेदारी। सशक्त प्रदेश बनाने की पूरी तैयारी। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर वन। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर वन। देश में 50-80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल की जनसभा में जनता का हुजूम देखने को मिला। यहां उन्होंने 5वीं गारंटी के बारे में जानकारी, जिसके तहत उत्तराखंड में शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही 35 साल की उम्र में रिटायर होने पर फौजी को अब सरकारी नौकरी मिलेगी।
तो ये बड़ी घोषणा है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से। 5 गारंटी यहाँ दी गई, सैनिक होंगे उत्तराखंड नव निर्माण में भागीदार। तो अरविंद केजरीवाल की जो ये 5 गारंटी है ये आपको बता रहे पॉइंटर्स के जरिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की राजनीति में और मजबूत हुई है। ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कही। तो शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की बात उन्होंने कही। तो साथ ही कहा कि शहीद सेना पुलिस और पैरामिलिट्री के शहीदों को सम्मान राशि दी जाएगी। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। तो वही विजय संकल्प यात्रा के रुद्रपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर भव्य तरीके से स्वागत किया। तो बीजेपी विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। ये यात्रा प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय संकल्प यात्रा रूप में निकाली जा रही है और इसके बाद विजय संकल्प यात्रा का किच्छा विधायक किच्छा कार्यकर्ताओं की तरफ से किच्छा विधानसभा स्थित टोल प्लाजा पर जोरदार तरीके से भव्य स्वागत किया गया। है कि हम भारी बहुमत से 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं और जितने चैनल्स हैं आप देखिएगा किसी ने कम कर नहीं आका। हम इक्का दुक्का पहले पहले कह रहे थे, आज तो टाइम्स नाउ हो चाहे कोई भी हो, क्लियर मेजोरिटी, अच्छी मेजोरिटी हमको दिखा रहे हैं। हम और मेहनत कर रहे हैं ताकि अब की बार 60 पार वाला फॉर्मूला हमारा लागू हो सके। तो वही कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश सचिव जयप्रकाश, नगर पालिका सभासद संजय रावत, ललित मोहन बिष्ट और पीयूष बिष्ट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वागत किया। कांग्रेस नेता संजय नेगी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश में संगठन को धार देने के लिए फेरबदल किया है और प्रदेश संगठन में युवाओं को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। तो वही चारों नव नियुक्त प्रदेश सचिवों ने भी जनता के बीच जाकर पार्टी की गतिविधियों को पहुंचाने के साथ साथ ही कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच पहुंचाकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरी मेहनत की जाएगी। दो हजार बाईस में के विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस संगठन ने संगठन को धार देने के लिए पूरे प्रदेश में जुझारू कर्मठ और कार्यशील जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को प्रदेश सचिव के रूप में जिम्मेदारी दी है और रामनगर विधानसभा में भी हमारे जो है 3-4 लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारी ही दी है। भाई संजय रावत जी जो कि 3 बार से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और नगर पालिका में सभासद हैं। जयप्रकाश जी हैं हमारे बीच में, बुजुर्ग हैं, मालधन क्षेत्र से आते हैं और वो 3 बार से वो प्रधान रहे, 1 बार उनकी पत्नी वहाँ पर प्रधान रही है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और भाई ललित मोहन बिष्ट जो लगातार NSY और यूथ कांग्रेस में कई वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, प्रदेश में नहीं जो है देश में भी वो जाकर जो है संगठन के लिए काम करते हैं। और भाई पीयूष बिष्ट जो पूर्व ग्राम प्रधान है और गैबुआ से आते हैं, उन्हें भी प्रदेश सचिव बनाया गया है। तो वही गोपेश्वर में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर गोपेश्वर बस अड्डे पर जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने भी बाइक रैली के साथ जनसभा करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया था जिसमें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे थे और इसी रैली के जवाब में कांग्रेस ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी पर वो जमकर बरसते हुए और कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। भंडारी ने यह भी कहा कि बीजेपी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, उन्हें गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों की फिक्र ज्यादा रहती है। तो वही सोमेश्वर के लोहेशाल गांव में आम आदमी पार्टी ने एक जनसभा का आयोजन किया जिसमें विधानसभा क्षेत्र प्रभारी हरीश चंद्र आर्य ने ग्रामीणों को विकास के दिल्ली सरकार के मॉडल की जानकारी दी और उत्तराखंड के लिए आम आदमी पार्टी की भावी नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस में राज्य पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, दल बदल की राजनीति करने और चला
ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा के आरोप में लगाए। उन्होंने कहा कि सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र की बदहाली के लिए बीजेपी और कांग्रेस से जिम्मेदार है। क्षेत्र विधायक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यहां एक ही प्रतिनिधि दोनों दलों में दावेदारी और प्रतिनिधित्व करती है। महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा मेहरा ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, जंगली जानवरों के आतंक, चौपट होती खेती के लिए बीजेपी और कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहरा और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की चारों गारंटी की घोषणा को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी तारा सिंह बजेठा, विपिन चंद्र पंत, कस्तूरबानंद उपाध्याय, राजेंद्र राणा और भुवन चंद्र तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे। तो वहीं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारे में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 1883 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां बांटी गई। तो वहीं शिविर में हृदय रोग, दांत रोग, पेट रोग, बाल रोग, मस्तिष्क रोग और डॉक्टरों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। शिविर में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन की भी निःशुल्क जाँच की। शिविर में ही लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ भी बांटी गई। आज लोगों को जो लोग मरीज हैं, जिनको जो लोग जाकर बहुत ज़्यादा पैसा दर्द वगैरह में नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स की फीस देना भी आज के टाइम पे बहुत मुश्किल हो गया, मेडिकल बहुत महंगा हो गया, उन सब लोगों को यहाँ पर निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क है। जय हिंद। विकास का भैया घूम रहा है, अंधेरा आंखें मूंद रहा है, उजियारा हर तरफ है, देखो नया उत्तराखंड है देखो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और धामी जी के नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य को 1,00,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देकर असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखाया है। संजीवनी की माउंटेन से बिजली यहाँ चमकती है, नेचर और कल्चर की अद्भुत काया यहाँ चमकती है, एक्सप्रेसवे दौड़ रहे हैं, टाइम की टेंशन तोड़ रहे हैं, नव निर्माण हर तरफ है देखो, समर्था उत्तराखंड है देखो। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत 16,216